नमस्कार चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, यू नो दैट वी हैड डन द थ्री टॉपिक्स, दक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो. नाउ आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर लेक्चर इज कोस्टल प्लेन्स. सो एज येस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोस्टल, स्टार्टिंग द जनरल डिस्कशन वी हैड डन अबाउट द कोस्टल रीजन्स. सो आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दैट वॉट इज द एरिया विच इज कवर्ड बाय विच इज नोन एज द कोस्टल प्लेन्स. तो चिल्ड्रन, यू नो दैट दिस प्लेन इज वेस्टर्न एंड कोस्टल ईस्टर्न प्लेन आर सिचुएटेड इन दिस इज द रीजन, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट. दिस इज द रीजन इज नोन एज वेस्टर्न कोस्टल पार्ट. तो चिल्ड्रन, इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अप्रोक्सीमेट 6100 किलोमीटर. इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल रीजन प्लेन और यू कैन से कोस्टल प्लेन, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर. ब्रॉडर इज एन द एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट. दिस इज मच ब्रॉडर एज कम्पेरिजन टू द वेस्टर्न प्लेन. सो चिल्ड्रन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दिस प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट ऑफ अरेबियन सी सिचुएटेड हियर. दिस इज द पार्ट. दिस प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी कोस्ट. इट इज नैरो प्लेन. यू से लुक एट दिस. दिस इज द लाइन यू विल एबल, आई थिंक एवरीबडी कैन सी. दिस इज द लाइन और लुक एट द डिस्टेंस. सो वी कैन से दैट इट इज अ नैरो प्लेन विथ एन एवरेज विथ ऑफ 64 किलोमीटर. विथ मीन्स दिस इज द विथ. ओके, तो दिस विड्थ शोज दैट इट इज वेरी नैरो एंड द विड्थ ऑफ दिस एरिया इज 64 किलोमीटर्स. ओके, दिस प्लेन जो आपको ये प्लेन दिख रहा है, दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द सेवरल शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स विच आर अनेबल टू फॉर्म डेल्टाज. रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम हियर दे आर नॉट, मैंने इफ यू कैन सी एनी रिवर हु विच मूव फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न विच आई हैव टोल्ड यू नर्मदा तापी, दे आर नॉट मेकिंग डेल्टा ओवर हियर. दे मेक एस्चुरीज एज कम्पेरिजन टू द रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न एंड मूव टू द ईस्टर्न पार्ट, दे मेक डेल्टा ओवर हियर. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. देयर आर सेवरल लेगून्स स्पेशली इन द सदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन. सेवरल लेगून्स यू कैन सी इन द सदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन. द वेस्टर्न प्लेन हैज इन अनयूडेटेड कोस्ट which support many ports. You can see here so many ports. If you will see in the atlases, तो आपको यहाँ पर ports भी दिखेंगे. So this is the western coastal part of this region. And western coastal region को और अच्छे से समझना है तो please utilize the your atlases. You can see here Gir Hills. Western coastal plain lies between, which I have told you, Western Ghat and Arabian Sea. It spread Gujarat to Kanyakumari. You can see Kanyakumari here. It is started from the Gujarat, this area, and moved to Kanyakumari. The Gujarat plain is known as peninsular of Kathiawad or Kutch. You know that Kutch yahan pe aapko dikhega. It is not mentioned in this map. एट रन ऑफ कच्छ आपको दिखेगा यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज द एरिया गुजरात प्लेन्स जो है. द कच्छ पेनिनसुला वॉज एन आईलैंड सपोर्टेड सराउंडेड बाय द वॉटर ऑन ऑल साइड्स. ओके, सो चिल्ड्रन, नॉर्थ में आपका कच्छ है एंड देयर आर टू सॉल्ट सोक प्लेन्स. दैट लिटिल रन, यू नो दैट एक जैसे यहाँ पर डेजर्ट है वैसे यहाँ पर कच्छ ऑफ रन है, जिसे सॉल्टी लैंड बोला जाता है, आपने सुना होगा. ओके, सो दे रिमेन अंडर वॉटर इन द रेनी सीजन एंड आर ड्राई फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, इट इज नैरो विच आई हैव टोल्ड यू. एवरेज विड्थ ऑफ दिस रीजन इज 64 किलोमीटर. गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट गोज अ नैरोइंग. यू कैन सी हियर नॉर्थ टू साउथ. ओके, गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ गोज नैरोइंग. सो द प्लेन इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट. नॉर्दर्न पार्ट फ्रॉम मुंबई टू गोवा. यू कैन सी हियर फ्रॉम मुंबई टू गोवा वाली रीजन. ओके, प्लीज सी इन द मैप्स वेयर द पॉलिटिकल, यू कैन सी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. यू कैन इजिली आइडेंटिफाई गोवा एंड मुंबई. ओके, जिसे हम कोंकण पार्ट भी बोलते हैं. कोंकण रेलवे का नाम आपने सुना होगा और आई हैव रिटन इन दिस मैप ऑल्सो रिटन हियर कोंकण कोस्ट रीजन. ओके, सो मुंबई टू गोवा दिस रीजन इज नोन एज कोंकण रीजन. द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड कन्नड़ और कनारा. ओके, द मिडिल पार्ट इज नोन एज कन्नड़ और कनाड़ा आफ्टर दिस कोंकण रीजन, कन्नड़ और कनाड़ा रीजन. ठीक है, एंड लास्ट द थर्ड पार्ट इज सदर्न पार्ट. कन्याकुमारी इज ऑल्सो नोन एज मालाबार प्लेन. कन्याकुमारी प्लेन यू कैन सी हियर, दिस इज नोन एज मालाबारी प्लेन. ओके, मालाबार प्लेन. सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट थ्री रीजन, कोंकण कोस्ट, मिडिल पार्ट इज नोन एज कन्नड़ और कनाड़ा, एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज मालाबार
कोर्स. सो दीज आर द थ्री डिवाइडेशन, थ्री पार्ट्स दिस प्लेन के जो तीन पोर्शन हैं वो डिवाइड किए गए हैं. तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. Lagoons are salt water lakes are founded over here. Sand bores and splits. Kochi is located in this lagoon, in the lagoons. Okay, Kochi region you can see here in the lagoons. So children, ये तो western coastal region था. Now come to the eastern coastal region, that is also very important. Sometime question arise you कि what is the difference between eastern coastal region and western coastal region. So you can easily understand. So eastern coastal region as started, you can see here Bay of Bengal, their extent a comparatively wide as comparison to this region, comparatively wide in the level of the plain from to Odisha to Kanyakumari. Known as Eastern Coastal Plain. Look at here, Eastern to Kanyakumari region तक ये जो पूरा एरिया है ये आपका यहाँ तक का रीजन, ये सारा क्या रीजन कहलाता है? Eastern Coastal region. So which started from Odisha. Odisha is situated here. ओके, उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो रीजन है, दिस इज ईस्टर्न कोस्टल रीजन. एंड इट बिकम्स ब्रॉडर इन तमिलनाडु. यू कैन सी द रीजन ऑफ तमिलनाडु, इट इज ब्रॉडर इन तमिलनाडु. ओके, वेयर इट इज 100 टू 120 किलोमीटर वाइड. यू कैन प्लीज ट्राई टू सी इन द बुक ऑल्सो. आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट इट इज 100 टू 120 किलोमीटर वाइड. इट नैरो डाउन इन द नॉर्थ ऑफ द गोदावरी रेंज, गोदावरी रिवर. यू कैन सी हियर ओके गोदावरी, वेयर इट इज ओनली 32 किलोमीटर वाइड. ओके, एंड लुक एट द तमिलनाडु, इट इज 100 टू 120 किलोमीटर. सो गोदावरी में जो इसका बेल्ट है वो ओनली 32 किलोमीटर रह जाता है. ओके, इट हैज टू पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न. नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन महानदी विच इज इन उड़ीसा. आई होप दैट लुक एट हियर, दिस इज महानदी सिचुएटेड इन उड़ीसा. चिल्का लेक तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोथ आर देयर इन द उड़ीसा. ओके, सो इट It has two parts, northern and southern, and the northern part between Mahanadi and Krishna Nadi. Okay, Krishna Nadi और Mahanadi के बीच का जो area है, this is the North Sarkar Plain. Okay, and the southern part which you can see between the Krishna to Kaveri River, Krishna River से लेकर Krishna से लेकर Kaveri River तक का जो part है, look at this part. This is the southern part. And it is known as Coromandel or Carnatic Plain. Okay, so these are the two distinguished division of Eastern Coastal Plain. So children, this is the basic thing which you will write in the exams also. और चिल्का लेक का मैंने आपको बता दिया है. चिल्का एंड द पुलिकट जो लेक है ये एग्जाम्स में आती है, लेगून्स हैं ये. ओके, सो द महानदी एंड द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द मेजर रिवर विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रेट प्लेट्यूज एंड फ्रॉम द डेल्टाज एट देयर माउथ. So children, this is very important map, or all the diagrams, all the rivers should be marked by you in the maps. It will help you when this question will come in exam. You can easily label these rivers. So important southern rivers are Godavari, जिसे हम दक्षिण की गंगा या southern गंगा भी कहते हैं, eastern घाट, और आपका the which I had told you three division of the western घाट्स and two division of the eastern घाट्स. So Pulikat lake it is mentioned here in the map, Chilka lake in Odisha. So children, please remember these names. Okay, and it will be helpful for you to fill in the maps. Okay, and look at this Coromandel coast which I had told you, eastern ghat. ठीक है, तो ये आपके डिवीजन थे दोनों, वेस्टर्न एंड कोस्टल डिवीजन. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस. आफ्टर दैट वी विल ओनली वन और टू टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज योर आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी और आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. ओके, सो चिल्ड्रन बी केयरफुल एंड बी रीड एंड बी सेफ. थैंक यू सो मच.